आज मैं आपको प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी विद पॉकेट। इसमें मैं आपको पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो पैंट बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम इस फैब्रिक को 2 फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह मैंने इसे लंबाई से 2 फोल्ड किया है। ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर 2 इंच पे निशान लगाएंगे बेल्ट के लिए इस तरह, और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब बेल्ट को छोड़ के हम इसकी रेडी लेंथ लेंगे। तो इस पैंट की रेडी लेंथ है 36 इंच और प्लस 1/2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले रही हूँ मैं। तो इस तरह मैंने 36.5 इंच पे निशान लगाया है और अब इस निशान को यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो जो भी हमारा हिप साइज हो उसका 1/4 भाग प्लस उसमें 1 इंच लूजिंग लेना है। तो हिप है इसके 38 इंच, 38 का 1/4 भाग होगा 9.5, और उसमें हम 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो होगा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पे मैंने एक निशान लगाया। अब यहाँ से आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी हिप साइज हो उसका 1/4 भाग प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेनी है। तो मैं 11.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे और इसे यहाँ से और यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच बढ़ाएंगे। तो इस तरह 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आसन का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह। अब हम इसकी बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे पहले। तो इस तरह मेजर टेप को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए इस लाइन का सेंटर आ रहा है 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब एक सेम निशान हम 6.5 इंच का नीचे भी लगाएंगे इस तरह। तो अब हम इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है इसकी 13 इंच, उसका हाफ होगा 6.5 इंच। और अब इस निशान के दोनों तरफ 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3.25 इंच इस तरफ और 3.25 इंच इस तरफ मार्क करेंगे। तो इस तरह हमारी बॉटम आ जाएगी 6.5 इंच की। अब यहाँ से इस निशान को स्ट्रेट कर लेंगे और अब इन दोनों निशान को क्रॉस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह इस शेपर से हम इन दोनों निशान को इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अगर आपके पास इस तरह का लेग शेपर नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इस तरह मार्किंग कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हुआ है। तो इस तरह ये 2 पार्ट्स है। अब हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने सेम फैब्रिक को उसी तरह 2 फोल्ड किया है। यहाँ से ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी जुड़ी हुई साइड है। अब हम इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह। इसे अच्छे से मिलाते हुए सेट कर लेना है। और अब हम यहाँ से इसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से भी इसे बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरह और अब यहाँ आसन की तरफ से 2.5 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह बैक पार्ट में आसन का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको यहाँ ऊपर से 2 इंच बढ़ाएंगे और क्रॉस में यहाँ बेल्ट के पास इसे जॉइंट कर लेंगे इस तरह। तो इस तरह हमने बैक पार्ट को यहाँ बेल्ट से 2 इंच बढ़ाया है और अब यहाँ साइड से भी इसे 2 इंच बढ़ाएंगे। तो इस तरह यहाँ 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशान को ज्वाइंट कर लेंगे
तो इस तरह हमने बैक पार्ट को आसन की तरफ से 2 इंच बढ़ाया है। पैंट में हमारा बैक पार्ट बड़ा होता है जिससे पहनने के बाद पैंट ऊपर नहीं खींचता है और उठने बैठने में भी कंफर्टेबल रहता है। अब हम इसी शेप में बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब हमारे पास फ्रंट और बैक पार्ट के लिए 2-2 पार्ट्स हैं। अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए मैंने ये एक फैब्रिक का पीस लिया है। इसकी लंबाई है 12 इंच और इसकी चौड़ाई डबल में है 7, यानी इसकी चौड़ाई है 14 इंच। अब यहाँ से ओपन साइड से हम यहाँ पे इस तरह इसे हल्का सा राउंड शेप बनाएंगे और इसे यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह। तो ये पॉकेट की भी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम आसन ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों साइड आसन पे सिलाई लगा के आसन ज्वाइंट करेंगे। और ये दोनों साइड मैंने आसन ज्वाइंट कर लिए हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसे इस तरह ओपन करेंगे और अब हम यहाँ पे पहले पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ राइट साइड में इसके हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ ऊपर से पहले 3 इंच पे निशान लगाएंगे और अब हम इस पॉकेट को इस पर रखेंगे इस तरह। दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए इस पॉकेट को रखना है फ्रंट पार्ट पर। तो इस तरह इस पॉकेट को यहाँ किनार से बराबर मिला लेना है और अब यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पे लगाएंगे 6 इंच पे। तो इस तरह पॉकेट के लिए 6 इंच का गैप रहेगा। अब हम यहां से इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह देखिए यहां तक हमने इसे स्टिच कर लिया है। दोनों साइड अब हम कट लगा लेंगे इस तरह और अब इस दूसरी साइड से इस पॉकेट को इस तरह उठाएंगे और यहां से इसे बराबर मिला देंगे इस तरह। और अब यहाँ राउंड से हमें इसे स्टिच करना है। तो देखिए यहाँ से जहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ वहाँ से इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने नीचे से स्टिच कर लिया है और अब हम इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। और अब इस पॉकेट को उल्टी साइड टर्न कर लेंगे अंदर की तरफ इस तरह। और अब देखिए जो यहां से ये ओपन है स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह देखिए हमारा पॉकेट बनेगा और बैक साइड से ये इस तरह दिखेगा। यहाँ से ये बेल्ट से कवर हो जाएगा इस तरह। तो अब हम इसके दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह। दोनों पार्ट्स को बराबर मिला लेना है और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और अब यहाँ साइड से इसे बराबर मिला लेंगे। और अब दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे।
और दूसरी साइड से भी दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों साइड जॉइंट हो गई है और अब हम इसका बेल्ट फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हम इसे अच्छे से एक बार प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे बेल्ट को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। तो ये हमारा बेल्ट अच्छे से सेट हो गया है। यहाँ पे इसके किनार से सिलाई लगाएंगे पूरे बेल्ट में। और यहाँ से इसे 2 इंच ओपन रखेंगे इलास्टिक के लिए। तो बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है। अब इस इलास्टिक को हम यहाँ एक साइड से डालते हुए दूसरी साइड से निकाल लेंगे। दूसरी साइड से इसे निकाल के हम दोनों पार्ट्स को इस तरह ओवरलैप करके यहाँ स्टिच कर लेंगे। तो ये इलास्टिक हमारा जॉइंट हो गया है और अब इस इलास्टिक को अंदर डाल देंगे और यहाँ से जो ये ओपन है यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है और अब इस बेल्ट को अच्छे से खींच के यहाँ एक सिलाई सेंटर में भी लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए, हमारा बेल्ट रेडी हो गया है और अब हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ बॉटम में मैं एक पट्टी अटैच कर रही हूँ। ये इस तरह एक स्ट्रेट पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 6 इंच है। इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ बॉटम पे सीधी साइड पे हम इस पट्टी को फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे इस तरह। और अब यहाँ पर एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और अब इस पट्टी को इस तरह टर्न करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और अब यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए, हमारा बॉटम रेडी हो गया है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड बॉटम को भी रेडी कर लेना है। और अब हम इसके अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए, दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह मिलाना है अंदर से। और अब यहाँ सेंटर से हम दोनों साइड में इसके सिलाई लगा लेंगे। और अब ये प्लाजो पैंट बनके रेडी हो गया है। और सिलने के बाद देखिए, दोनों साइड से ये बराबर एडजस्ट हो गया है और यहाँ पे ये इस तरह पॉकेट रहेगा। और पहनने के बाद ये बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा। ये है इसकी फाइनल लुक।